नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जान लेते हैं हम 19 नवंबर दिन मंगलवार का पंचांग, आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज का पंचांग यानी 19 नवंबर मंगलवार का दिन सूर्य चंद्रमा की स्थिति से ब्रह्मा नाम का योग बन रहा है। वहीं आज चंद्रमा श्लेषा नक्षत्र में रहेगा, जिससे आनंद नाम का एक शुभ संयोग भी बन रहा है। इसके अलावा कोई काम करने के लिए आप सोच रहे हैं तो हमेशा शुभ मुहूर्त को देखकर ही करना चाहिए। हमेशा अपने सभी शुभ कार्य जीत मुहूर्त में करने चाहिए। यदि आप आज के दिन कोई वाहन लेने की सोच रहे हो, घर का मुहूर्त करने की सोच रहे हो, कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो या कोई अन्य शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें, शुभ समय में ही अपने कार्य करें, राहु काल में कोई भी कार्य ना करें। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज सूर्योदय सुबह 6:21 पर हो जाएगा और सूर्यास्त शाम 5:57 पर होगा। चंद्र और पक्ष कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी है, नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र चल रहा है, सूर्य राशि तुला है और चंद्र राशि कर्क राशि में है। आइए जान लेते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल का समय। आज राहु काल दोपहर 2:44 से लेके शाम के 4:03 तक रहने वाला है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। आइए अब जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त। इस मुहूर्त में आप अपने सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:42 से दोपहर 12:22 तक। दृग ऋतु हेमंत है और वैदिक दक्षिणायन चल रहे हैं। तो ये था 19 नवंबर का पंचांग। तो हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो को काफी पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।